तीन बार लगा लो, कितने भी सफेद बाल हों वो भी बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे। बालों का झड़ना और सफेद होना रुक जाएगा। आप 75 साल की उम्र में भी 20 साल जैसे दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आपके बालों के लिए एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने बालों की हर तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों बालों के सफेद होने को रोक सकते हैं, बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और उल्टा आप अपने बालों को मुलायम और चमकदार व घने भी बना सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दो नुस्खों के बारे में बताएंगे। इन दोनों नुस्खों का ही प्रयोग करना है। वो पहला नुस्खा होगा लगाने के लिए बालों पर और जो दूसरा नुस्खा है वो होगा खाने के लिए। यानी इन दोनों नुस्खों का ही आपने प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले नुस्खे के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। दोस्तों पहले नुस्खे के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह है दोस्तों कड़ी पत्ता। दोस्तों कड़ी पत्ते के फायदे हम सब जानते ही हैं और आज हर घर में ये कड़ी पत्ते का पौधा मिल जाता है। प्रोटीन, विटामिन, बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरा कड़ी पत्ता बालों को मजबूत करता है, उन्हें लंबा, घना व खूबसूरत बनाता है। इसके साथ में उनका सफेद होना भी रोकता है। इसके अलावा भी दोस्तों कड़ी पत्ता बहुत सारी बीमारियों के लिए एक वरदान की तरह है और हमें जब भी हम कोई भी सब्जी बनाएं उसमें कड़ी पत्ता डालकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम सेवन करेंगे उससे भी हमारी बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों का सफेद होना रुक जाएगा। और जो ये लगाने वाला नुस्खा है उसका प्रयोग आपने करना ही करना है। अब जानते हैं दूसरी सामग्री जो इसमें आपको चाहिए, वो चाहिए दोस्तों नारियल का तेल। और दोस्तों नारियल के तेल के फायदे भी बहुत सारे हैं हमारे बालों को पोषण देने के लिए। दोस्तों नारियल का तेल बहुत अधिक चमत्कारी है। इससे हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों का सफेद होना रुक जाता है, हमारे बाल घने हो जाते हैं। तो चले दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विधि के बारे में। दोस्तों आपने क्या करना है, किसी बर्तन को लेकर आग पर रखना है, फ्राई पैन को, जैसे कि ये हमने रख दिया। अब उसमें आपने डालना है थोड़ा सा नारियल तेल और उसको गर्म कर लेना है। और अब उसमें आपने डालने हैं 10 से 12 कड़ी पत्ते और ये जैसे कि हमने डाल दिए। अब आपने इसको तब तक भून लेना है इन पत्तों को उस तेल के अंदर जब तक ये अच्छी तरह से काले न हो जाए। और जब यह काले हो जाए तब आप इसको आग से उतार लें। जैसे कि ये हमारा तेल रेडी हो गया तब हमने इसको आग से उतार लेना है और इसको किसी कांच के बर्तन में डालकर रख लेना है। अब जानते हैं इसके प्रयोग की विधि के बारे में। दोस्तों आपने क्या करना है, इस तेल को उंगलियों से बालों की जड़ों में लगाना है और धीरे धीरे से मसाज करें ताकि तेल ऑब्जर्व हो जाए। करीब 1 घंटे तक इस तेल को आपने अपने बालों पर लगा रहने दें। ये काम आपने सुबह नहाने से 1 घंटा पहले करना है और 1 घंटे तक इस तेल को अपने बालों में लगा रहने देना है और 1 घंटे के बाद आपने अपने बालों को धो लेना है और किसी शैम्पू की सहायता से अपने बालों को साफ कर लेना है। और साफ करने के बाद जब आप अपने बालों में तेल लगाएं तब भी आपने नारियल के तेल का ही प्रयोग करना है, किसी और तेल का प्रयोग नहीं करना है। अब जानते हैं खाने वाले नुस्खे के बारे में। दोस्तों खाने वाले नुस्खे के लिए मैं आपको 2 बताऊंगा, आप उन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। पहला, आप हर रोज आंवला का सेवन कीजिए। आप आंवला को कच्चा खाइए, कैंडी खाइए या उसका पाउडर खाइए। यानी आप किसी भी रूम में आपने आंवला खाना है, आंवले का अचार खाइए या कुछ भी आंवला खाएं। यानी आपको हर रोज आंवले का सेवन करना है, चाहे वो आप किसी भी रूम में करें या फिर आप हर रोज त्रिफला पाउडर का सेवन करें। इन दोनों में से आप कोई भी प्रयोग करें उसमें भी आंवला मिक्स है, यानी आपका ये काम भी हो जाएगा और वो काम भी हो जाएगा। अगर आप त्रिफला पाउडर का सेवन करें तब आप रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला पाउडर का सेवन हल्के गर्म दूध के साथ करें। और दोस्तों यदि आप इन दोनों नुस्खों को अपनाते हैं तब आपके बालों के झड़ने की समस्या सही हो जाएगी, आपके बालों का सफेद होना रुक जाएगा और चाहे आपके सिर पर कितने भी सफेद बाल हों वो भी बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी अपने घर पर आज ही इस नुस्खे को बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और देखें इसके चमत्कारी फायदों के बारे में। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।